गरीबों सुधर जाओ, तुमको सुधारने कोई नहीं आएगा। गर्मियां आ रही है तो आइसक्रीम बेच, कुल्फी बेच, रोज 1000 रुपए कमाएगा। कुछ भी कर लेकिन अपनी फैमिली को अच्छे से रख। मैं अपनी बिटिया के, अपने बीवी के, अपने बच्चों के मैं सपने पूरी करूंगा, कोई भी कमी ना। क्योंकि दुनिया में जितने भी लोग अमीर और कामयाब हुए हैं सिर्फ यहां से, जिन्होंने भी सोचा है कि मुझे ये करना है, और वो इंसान ही कर सकता है जो अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता है। क्योंकि अमीर बनने के लिए उसको एक फीलिंग चाहिए कि नहीं, मेरी बेटी अच्छे स्कूल में जाएगी, मेरी बेटी अच्छे ड्रेसेस पहनेगी, मेरी बेटी अच्छे मोबाइल यूज करेगी, मेरी बेटी को हम अच्छे रेस्टोरेंट में, अच्छे होटल में, जब भी कम से कम साल दो साल में एक बार बाहर लेके जरूर जाएंगे। क्योंकि अगर हम नहीं जाएंगे, हम उसकी जरूरत पूरी नहीं करेंगे, हम अगर उसके शौक पूरे नहीं करेंगे तो कोई ना कोई तो है। हेलो, आज समझ रहे, कोई ना कोई तो सपनों का सौदा कराएगा, कहेगा आओ जानू और रेस्टोरेंट में चलते हैं, ताज में खाना खाते हैं। उसने ताज में कभी खाना खाया ही नहीं तो कितनी इंप्रेस हो जाएगी। बात समझ में आ गई? आपकी बीवी कह रही है कि मुझे 15,000 की साड़ी चाहिए, आप नहीं दिला पा रहे, तो भाई तुम नहीं दिला पाओगे तो कोई ना कोई तो है जो उसको दिलाएगा। हेलो, हाँ, फिर वो साड़ी लेके आएगी और बोलेगी सेल लगी थी और तुम चाह के भी कुछ नहीं उठा पाओगे, जान सब रहे हो। हाँ, क्योंकि तुम निकम्मे हो चुके हो। एक मेरा मेंटर है जिसको मैं बहुत फॉलो करता हूं, और 15 साल की उम्र से काम करते हुए 35 साल में फाइनेंशियल फ्री, करीब 35 करोड़ रुपए का उसका लंदन में घर है, 20-22 करोड़ की गाड़ियां हैं। वो भाई मालूम है कैसे बात करता है? अबे गरीबों सुधर जाओ, तुमको सुधारने कोई नहीं आएगा, तुम्हें खुद सुधरना पड़ेगा अगर गुर्बत से बाहर निकलना। बात समझ में आ रही? गरीबी से अगर बाहर निकलना, वो सिर्फ एक फील, जिस दिन फील कर लोगे ना कि भाई, बाद में चिल्लाते हैं सब कि मेरे साथ ये हो गया, मेरी फैमिली में ये हो गया, भाई 99% जिम्मेदार आप हो, कुछ भी हो जाएगा। भाई मुझे पता है, मेरी बेटी आईफोन से इंप्रेस नहीं होगी, एलवी गुची ये पर्स या कोई उसको गिफ्ट करेगा नहीं होगी, क्योंकि कोई अगर इंप्रेस करने आएगा तो शबाब से तो 21 होना चाहिए। हेलो, क्योंकि हर बेटी का जो पहला प्यार होता है उसका बाप होता है, यस और नो? सबसे ज्यादा प्यार बेटी अपने बाप से करती है और एडमायर करती है जीवन में कि कम से कम मेरे बाप जैसा ही पति मुझे मिले, यस और नो? इस चीज को मैं फील करता हूं और इसीलिए उसकी परवरिश उस लेवल की मैं करता हूं, क्योंकि जो भी आएगा फिर उसके जीवन में मेरे से अच्छा होगा। आप लोग जो ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो आप नहीं चाहते, वो कहीं ना कहीं हमारी वजह से होती, हमारी वजह से होती। फिर हम कहते हैं लो यार कल्लू हलवाई के साथ बात नहीं, अगर कल्लू हलवाई से भागेगी रोज रसगुल्ले खिला रहे हो, समझ रहे, गुलाब जामुन रबड़ी खिला रहे, हम उसको जलेबी नहीं लेके दे रहे। बातें मेरी कड़वी है, जहर है मेरी बातें, लेकिन फील करना रात में सोते टाइम। अगर वाकई में अपने बच्चों से प्यार करते हो, अपनी माँ से प्यार करते हो, अपनी बीवी से प्यार करते हो, सिर्फ उनकी सहूलियत के लिए, उनकी फैसिलिटीज के लिए मैंने काम करना शुरू किया कि कुछ भी हो जाए, मेरी माँ भाई रिक्शे पर नहीं जाएगी बैठ, क्योंकि रिक्शा चलता था कई बार उसका नकाब उड़ जाता था फिर वो मांगती थी, कई बार उसका नकाब खुल जाता तो वो शादियों में प्रोग्रामों में जाने से बचती थी,
नहीं बेटा मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं समझता था क्यों नहीं जाती है, ये क्यों नहीं जाती, क्योंकि इसको हिजाब पहनना पसंद है, वो पर्दे में रहने वाली औरत है, कभी भी नहीं। तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि कुछ भी हो जाए घर में एक गाड़ी तो रहना चाहिए, कुछ भी हो जाए उसके लिए मुझे करना। उसके कमरे में तो एक एसी चाहिए चाहिए, एक बाप के कमरे में एसी तो चाहिए चाहिए। मैं अगर ठंडक में बढ़िया मजे से रह रहा हूं और वो अगर खड़खड़ाते हुए खड़खड़ आवाज वाले कूलर में रह रहे हैं तो मेरे लिए तो गाना था ना भाई, हेलो सर्दियां निकल गई गर्मियां आ रही, गर्मियों में भी धूल मिट्टी, आप कैसे फील करते कि आपके बच्चे रिक्शों पे जा रहे हैं, एक रिक्शे पे 6-8 बच्चे होते हैं, लेकिन वैन में 12-15 बच्चे फूस के भरे होते। मैंने पहले ही अपनी वाइफ से कह दिया था भले एक बच्चा पैदा करना, लेकिन हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि स्कूल लेने या आप जाओगे हम जाएंगे। बात समझ में आ रही? तो जो व्यक्ति सफल है वो अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता है तभी वो सफल है, वरना आप सफल हो ही नहीं सकते, क्योंकि आपको आपको उनको अगर कंफर्ट देना नहीं आता है उनकी सहूलियत के लिए, उनकी सहूलियत के लिए आपको अगर उनको कंफर्ट देना नहीं आता है तो ऊपर वाला आपको नहीं देगा, क्योंकि मैं बहुत काबिल नहीं हूं, मैंने कोई IIT क्रैक नहीं किया, मैंने IIM से पढ़ाई नहीं की, लेकिन जो भी मैंने पढ़ाई की, जो भी मैंने काम किया शिद्दत के साथ किया। यहां आने से पहले मैं ICICI बैंक में था, उसके बाद मैं HDFC बैंक में था, और शिद्दत के साथ मैंने यहां भी काम किया, क्योंकि जितना माँ बाप के पास था उन्होंने किया, उन्होंने हाई स्कूल तक पढ़ा दिया, उसके बाद मुझे खुद पढ़ना था। तो भले ही मैं कुछ साल फेल हुआ, लेकिन मुझे मैनेजमेंट करना था, मुझे BCOM BA BSc नहीं करना था। तो मैं निकल के अपने छोटे से शहर से लखनऊ पहुंचा, वहां पर मैंने मैनेजमेंट किया, BBA किया, फिर निकल के मैं बाहर गया, फिर मैंने MBA किया, फिर लॉ किया। तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप कहीं भी जिस घर में पैदा हुए और वहां दोष दो, वहां दोष देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने क्लास 7th में एक कोटेशन पढ़ लिया था कि भाई आप गरीब घर में पैदा हुए हो ये आपकी गलती नहीं है, आप गरीब घर में पैदा हुए हो आपकी गलती नहीं है, आपकी गलती तब है जब आप गरीब घर में मरोगे। और मेरा दोस्त ने भी मेरे साथ वो कोटेशन पढ़ा था, तो उसने उसका दूसरा मतलब निकाला था, वो कहता था भाई गरीब बाप है इसमें हमारी गलती नहीं है, लेकिन गरीब ससुर नहीं होना चाहिए। तो वो कहता था भाई गरीब ससुर नहीं होना चाहिए, तो उसका वो फोकस था। आज भी उसके पास वेगनार है, आज भी तकरीबन 10 साल हो गए उसकी शादी को, क्योंकि ससुर सिर्फ एक ही बार गाली देता है और जिंदगी भर गाली देता है। क्यों भाई? और सबसे ज्यादा इस्तेमाल जो भी दहेज की गाली है वो आपके ससुराल वाले ही ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। आपके अगर भाई ने चला दी गाड़ी या कहीं ठोक दी, आपको पता आपकी बीवी क्या करेगी? हेलो, कूट देगी तुम्हें भी। जितना डेंट उसकी गाड़ी में लगा है उतना डेंट तुम्हारी लगाएगी। तो मैं इसीलिए कहता हूं भाई, पहली बात तो दहेज लो ही नहीं, इस लायक हो जाओ कि भाई खुद आप मदद कर दो। तो दोस्त, जिंदगी में जिन लोगों ने फील किया है यहां से जाने के बाद, सिर्फ फील करना, शिद्दत से फील करना कि नहीं यार मुझे अपने बच्चों के लिए कुछ करना। हमेशा मैं एक ही बात बोलता हूं कि कोई सही गलत नहीं होता, मां बाप के लिए और बच्चों के लिए कोई सही गलत नहीं होता। उनको कंफर्ट देना, उनको आराम देना आपका धर्म है, आपका फर्ज है। जिन्होंने आपको पैदा किया उनका ख्याल रखना, और आपने जिनको पैदा किया उनका ख्याल।